नमस्कार, फिटटक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मेरा नाम है शालू नजावन और मैं शरण के साथ एक लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ। मैंने बचपन से ही ये सुना है कि डेयरी उत्पाद और गाय भैंस के दूध से बनने वाली सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मुझे बताया गया कि सुबह उठते ही हमें एक ग्लास दूध पीना चाहिए और रात को सोने के पहले एक ग्लास दूध हल्दी के साथ। इससे सेहत बहुत अच्छी रहती है। जब मैं गर्भवती थी और अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो मुझे बताया गया कि दिन में 3 ग्लास दूध पीना चाहिए, नहीं तो हमें बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूध कहाँ से आएगा। तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि गाय और भैंसें जो इतना दूध बनाती हैं वो तो किसी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीती, फिर उन्हें कहाँ से इतना दूध मिलता है, आखिर वो क्या खाती है। और फिर मैंने सोचा कि मनुष्य ही क्यों ऐसा प्राणी है जो कि दूसरे जानवरों का दूध पीता है, और कोई जानवर तो किसी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता। और मनुष्यों को ही क्यों इतनी अलग अलग प्रकार की ऐसी भयानक बीमारियाँ होती हैं। क्या इन सब में कोई कनेक्शन है? इन सभी सवालों का जवाब मुझे तब मिला जब मेरे पति को एक भयानक ऑटो इम्यून बीमारी हुई जिसका नाम था एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उन्हें रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहता था जिसके लिए उन्हें पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स लेने पड़ते थे, और इतनी दवाइयां लेने के कारण उन्हें 31 साल की उम्र में डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी हो गया। सब डॉक्टरों ने बोला कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जब मैंने इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च की तो मैंने ये देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बीमारी को ठीक किया है सिर्फ अपने खाने में बदलाव करके। तो मैंने सोचा इसे ट्राई किया जाए, और हमने पूरी तरह से वनस्पति जगत आधारित खाना खाना शुरू किया और जानवरों से आने वाली सभी चीज़ों का सेवन बंद कर दिया, जैसे कि मीट, मछली, दूध, दही, घी, पनीर और जितनी भी चीज़ें जानवरों से आती हैं। और इसके बदले मैंने शुरू किया अच्छा हेल्दी खाने का सेवन। जब मैं जानवरों वाला दूध इस्तेमाल करती थी तो मेरे पास 2 विकल्प होते थे, गाय का दूध या भैंस का दूध। लेकिन जैसे ही मैंने वनस्पति जगत का दूध पीना शुरू किया मेरे पास कई विकल्प आ गए, जैसे मूंगफली का दूध, नारियल का दूध, ओट्स का दूध, सोया का दूध, बादाम का दूध और यहाँ तक कि काजू का दूध। ये सभी दूध इतनी आसानी से किसी भी किराने की दुकान में मिल जाते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन स्टोर्स पे भी मिल जाते हैं, और इन्हें घर में बनाना तो बस मिनटों का खेल है। इन सभी दूधों का इस्तेमाल करके मैंने आइसक्रीम्स बनानी शुरू की, मैंने बहुत तरह की मिठाइयाँ बनानी शुरू की, मिल्क शेक्स बनाने शुरू किए, और जो भी चीज़ें मैं पहले खाती थी धीरे धीरे मैंने वो सब कुछ खाना शुरू किया, यहाँ तक कि दही, मूंगफली की दही की कड़ी चावल और काजू की दही की छाछ तो मेरे फेवरेट हैं। मैंने पनीर के बदले टोफू का सेवन शुरू किया, और घी के बदले मैंने सूखे नारियल से बना हुआ मक्खन खाना शुरू किया जो बिल्कुल घी की तरह दिखता है। इन सभी चीज़ों का सेवन करते करते मैंने ये जाना कि जब हम जानवरों से आने वाली चीज़ों का सेवन कम करते हैं तो हमारी सेहत अपने आप बेहतर हो जाती है। चंद महीनों के अंदर मेरे पति की सारी दवाइयाँ बंद हो गई, उनकी डायबिटीज़ ठीक हो गई, हाइपरटेंशन ठीक हो गई, यहाँ तक कि उनकी रीढ़ की हड्डी का दर्द भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया। उन्होंने 30 किलो वज़न भी कम किया और अब वो पूरा दिन स्फूर्ति से भरे रहते हैं। तो अंत में मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे अद्भुत विकल्प, बहुत ही बेहतरीन विकल्प हैं डेयरी उत्पादों के। ज़रूरी है कि हम अपने आप को जागरूक करें इन विकल्पों के लिए और वही चीज़ें अपने शरीर में डालें जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि वनस्पति जगत से मिलने वाले सारे दूध और घी, मक्खन, जो भी चीज़ें हैं सभी जो वनस्पति जगत से हमें मिलती हैं, क्योंकि इनमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इनमें कोई जानवरों के हार्मोन्स नहीं होते जो कि हमें हार्मोनल बीमारियां दें जैसे कि थायराइड या PCOD, इनमें कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होते। हाँ,
लेकिन इसमें फाइबर बहुत होता है। और फाइबर क्या करता है? फाइबर हमारे शरीर को अंदर से साफ करता है और हमारा वजन बढ़ने नहीं देता, ताकि हम हमेशा सेहतमंद रहें। तो कृपया अपने आप को जागरूक करें और अपने स्वास्थ्य के लिए सही विकल्पों का चुनाव करें। आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए धन्यवाद।